इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI में वॉचमैन की भर्ती जारी की गई है। इसको आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। फॉर्म के डिटेल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस आवेदन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पर आना है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का। रजिस्ट्रेशन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल्स मांगी जाती है उसे आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। इसमें फर्स्ट आपको नाम लिखना है। यदि मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे नीचे आपका जो भी नाम रहेगा वो पूरा आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिखना है और पिता का नाम फिर से वेरीफाई करनी यानी कि दोबारा से इसमें लिखना है। माता का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद माता का नाम फिर से यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पे आपके रिलीजन क्या है उसे आप यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वैलिड आइडेंटिफिकेशन आपको फोटो आईडी देनी है। इसमें आपको कई सारी आईडी मिलेगी, जो भी आपके पास आईडी है उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे उस आईडी की जो नंबर है उसे आप लिखेंगे। यहाँ पे आपको अपने मेल आईडी को लिखना है, वही मेल आईडी आप दोबारा से इस बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, वही मोबाइल नंबर आप यहाँ दोबारा से लिखेंगे। मोबाइल नंबर सिर्फ आपको 10 अंक की लिखनी है, आपको 0 ये सब यूज नहीं करनी है। आपको अपने सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को लिखने के बाद आप एक बार जरूर वेरीफाई कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज ये आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने एक कैलेंडर आएगा, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, आपका कैटेगरी क्या है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी नेशनलिटी क्या है उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपका जन्म किस स्टेट में हुआ है उस स्टेट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यदि आप डिसेबिलिटी रहेंगे तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं तो आप इस ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगले ऑप्शन में कहा जा रहा है आर यू करंटली वर्किंग यानी कि आप करंट में जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ नो पे कर लेंगे। अगर आप डिफेंस में सर्विस करते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो नो कर लेंगे। अगर आप EX कॉन्ट्रेक्चुअल आप होम गार्ड में कहीं जॉब करते हैं, गार्ड सिक्योरिटी हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर लेंगे। अगर आपने 2017 में अप्लाई किया है वैकेंसी इसको तो आप यहां पे यस करेंगे। यदि आप अप्लाई करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, नहीं अगर आप अप्लाई किए हैं तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही फिर से आपके सामने अगला पेज आएगा। यहाँ पे आपको अपने एड्रेस डिटेल्स को सबमिट करना है। यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको टिक मार्क तभी करना है जब आप सेम पते पे रहेंगे। अगर आप दूसरे पते पे रहेंगे तो वो एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको अपने क्वालिफिकेशन की डिटेल्स को एंट्री करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन की जो डेट है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन आप किस स्कूल से किए हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। देखिए जिनके पास 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। वैसे इसमें इम्पोर्टेंट है आपका 8th क्वालिफिकेशन, 10th की क्वालिफिकेशन जिनके पास है वो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे सभी डिटेल्स लिखने के बाद आपको फिनिश के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स आपके सामने दिखाया जाएगा। आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा कि प्लीज वेरीफाई ऑल डिटेल्स, आपको यहाँ पे अपने डिटेल्स को चेक करना है। चेक करने के बाद आपको नीचे आना है, दो बटन मिलेगा एडिट और सबमिट का। यदि इसमें कोई गलती रहता है तो यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करके आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर कोई भी गलती नहीं है तो यहाँ सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक मैसेज आपको दिखाया जाएगा कांग्रेचुलेशंस यानी कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक सक्सेस हो चुकी है। चेक करने के लिए आपको मेल आईडी में जाके चेक करना पड़ेगा। कभी कभी होता क्या है कि मैसेज जो है स्पैम नाम के फोल्डर में जाके रुक जाती है, तो आपको उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको पासवर्ड मिल जाएगा। आपको यहाँ ओके के बटन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करने के लिए आपको अपने मेल आईडी में लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है। सो आई थिंक गाइस यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया है, तो इन्होंने बताया था कि कभी कभी क्या होता है स्पैम नाम के फोल्डर में जाके रुक जाती है।
तो यहाँ पे चलिए हम स्पैम में चेक करते हैं। आपको अपने मेल आईडी में जाना है और लेस देन यहाँ पे करना है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्पैम का, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज दिखाया जा रहा है, ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे लॉगिन यूआरएल आपको मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे आपको पासवर्ड मिल रहा है। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो यही पेज आपके सामने शो होगा। सो चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद कैप्चा यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद लॉगिन हियर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज आएगा, इसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और लॉगिन नाउ के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको कई सारी ऑप्शन मिलेगी। अभी आपने जो फॉर्म सबमिट किया है वो सिर्फ 50% कम्प्लीट किया है। कम्प्लीट फॉर्म अप्लाई करने के लिए इधर की जो खाली जगह है 50% इसे भी सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, आपको इस बॉक्स में लिखना है। ओटीपी की जो लिमिट समय है 120 सेकेंड है, आपको उतने सेकेंड में इसे लिख के यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पे आपको ओके के बटन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही यहाँ पे जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा सबमिट का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी है। सबसे पहले आपका फोटो अपलोड होगा, उसके बाद आपकी सिग्नेचर अपलोड होगी। यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको चूज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो आपने क्वालिफिकेशन दिया है उसी क्वालिफिकेशन को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अपलोड के बटन पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन। अगर आप फॉर्मेट चेक करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्मेट फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, यहाँ पे प्लेस लिखना है, यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद आप इसे स्कैन करेंगे, चाहे आप फोटो खींच लेंगे। खींचने के बाद आप इसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए आपको इस पर आना है, यहाँ पे आपको क्लिक करके अपलोड करना है। सो चलिए यहाँ पे पहले एक एक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेनी है यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद नीचे आपको बटन मिल जाएगा अपलोड का, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको मैसेज आएगा आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सक्सेसफुल अपलोड हो चुकी है। यहाँ ओके के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो फॉर्म है वो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको ये बता दे, आपको फी पेमेंट करने के लिए यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं बताया है। जो भी कैंडिडेट जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए हम बात कर रहे हैं, फीमेल के लिए यहाँ पे फी पेमेंट नहीं करना है। मेल कैंडिडेट जो जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे उनको यहाँ पे फी पेमेंट करना पड़ेगा ₹250। आप यहाँ तक अगर फॉर्म को कंप्लीट सबमिट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने फी के स्टेटस को यहाँ पे सबमिट करेंगे चेक करके, तब आप यहाँ पे अपने फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। अगर आप फीमेल हैं चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको फी नहीं पेमेंट करना है। आपका जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऐसा ऑप्शन आएगा, आप इसमें अपने डिटेल्स को चेक कर लेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आप चाहे इसे प्रिंट कर सकते हैं, चाहे आप इसे सेव कर सकते हैं, इनकेस भविष्य में कोई भी समस्या हो तो आप इसमें चेक कर सकें। ओके तो यहाँ पे चलिए हम इसे सेव कर लेते हैं पीडीएफ में। ओके तो गाइस इस प्रकार से आप इस फॉर्म को कंप्लीट सबमिट करेंगे। आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।